लोकसभा चुनाव से पहले विधान परिषद से नव निर्वाचित सदस्यों का आज शपथ ग्रहण समारोह है। विधान भवन स्थित तिलक हॉल में विधान परिषद से के सभापति मानवेंद्र प्रताप सिंह ने सभी 13 नवनिर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस कार्यक्रम के दौरान हॉर्नबिल टीवी ने नव निर्वाचित MLC संतोष सिंह, धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल और पूर्व MLC महेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार आयोजित किए। आइए सुनते हैं नव निर्वाचित सदस्यों ने क्या कहा है। नव निर्वाचित MLC धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, आज आपको जो शपथ ग्रहण समारोह, हालांकि सम्मान तो बहुत पहले मिल गया था, आज शपथ ग्रहण हुआ, क्या कहना चाहेंगे? आज ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का दिन है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सब के अभिभावक नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, केंद्र के हमारा शीर्ष नेतृत्व, सबकी कृपा से आज हम सब लोगों को एक नया दायित्व प्राप्त हुआ है। हम देश समाज को बनाने में आदरणीय मोदी जी के संकल्प को पूरा 2047 में जो संकल्प पूरा करना है विकसित भारत का, उसको पूरा करने में हम अपना योगदान प्रस्तुत। यूपी में विकास चल रहा है, विकास चलेगा, 2027 में फिर भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराएगा। ठीक है, आप धर्मेंद्र सिंह थे, नव निर्वाचित MLC हैं, जिनका साफ कहना है विकास तेजी से चल रहा था और विकास आगे भी चलेगा और 2027 में एक बार फिर से भगवा लहराएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर थोड़ा सा बता दीजिए, जो आज समारोह हुआ, बताइए। देखिए, अभी हमारे लोगों का यहाँ पर विधान परिषद के रूप में जो मैं निर्वाचित हुआ हूँ, उनका शपथ ग्रहण समारोह था। मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने फिर से अवसर दिया है और ये शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग सम्मिलित हैं। आप पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह थे जिन्होंने बताया कि जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, किस तरह से हुआ, किस किस को सम्मान मिला। नवनिर्वाचित MLC हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज जिस तरह जो सम्मान मिला है, क्या कहना चाहेंगे? हालांकि ये सम्मान बहुत पहले मिल गया था, आज शपथ समारोह हुआ है। संवैधानिक औपचारिकताएं थी वो आज पूर्ण हुई हैं और सभी विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज शपथ ग्रहण की है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का, अपनी पार्टी का, अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय गृहमंत्री जी का, माननीय योगी जी का, सबका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि उसने एक कार्यकर्ता को अवसर दिया है। और निश्चित तौर पर हम विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हर गरीब के लिए काम करेंगे, हर महिला के लिए काम करेंगे, हर युवा के लिए काम करेंगे, हर किसान के लिए काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में देश विकसित बन सके, उसके लिए हम लोग। आप नव निर्वाचित MLC थे जिनका साफ कहना है जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया है, उस सम्मान के बदले वो प्रदेशवासियों की सेवा करेंगे, हर गरीब की सेवा करेंगे, किसान की सेवा करेंगे और जो विकास कार्य हैं उसको पूरा करेंगे। नव निर्वाचित MLC संतोष सिंह जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, आज आपको जो सम्मान मिला है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत पहले ही पार्टी का तय हो गया था, लेकिन उसके बाद लोकसभा के चुनाव चल रहे थे और 6 मई से हम लोगों का अभी निर्वाचन शुरू हुआ है, तो पार्टी ने पहले से ही तय कर दिया था, सम्मान दिया था, उसके लिए मैंने उस समय भी आभार ज्ञापित किया था केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का। पुनः एक बार आभार कि इस विधायी कार्य में मुझे भाग लेने का उत्तर प्रदेश जैसी सम्मानित विधान परिषद में अवसर दिया। तो जी, भाजपा में ही ये रवायत है कि जो जमीनी स्तर का कार्य करता है उसको ही सम्मान मिलता है, क्या कहेंगे आप? यहाँ तो कोई बूथ अध्यक्ष से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकता है, कोई जिलाध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, कोई संगठन का व्यक्ति भी का नाम देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। उसके उदाहरण सीधे सीधे आपके सामने माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। यहाँ तो कहीं कोई सभी के लिए समान अवसर है। आप MLC संतोष सिंह जी हैं जिनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनका जो है जहां पर एक छोटे कार्यकर्ता का भी सम्मान दिया जाता है। वीडियो दैनिक सैनिक साथ अनुप चौधरी, हॉर्नबिल TV, लखनऊ।